देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के तीखे ट्वीट उद्धव ठाकरे से झेला नहीं जा रहे, इसलिए उनके बेटे आदित्य सामने आए और बीजेपी पर तीखा हमला किया। आदित्य का कहना है कि बीजेपी उनसे ईर्ष्या करती है क्योंकि पहले जो सत्ता में थे अब वे बाहर हो गए हैं। आदित्य ने ये भी कहा कि अब सत्ता से बाहर हो गए हैं जिसकी वजह से दुखी हैं और मैं उन्हें बर्नौल लगाने की सलाह दूंगा। आदित्य ने कहा कि हम उनका दर्द समझते हैं लेकिन अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने हम पर भरोसा रखा है। हमने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है, जैसे कि कर्ज माफी, 10 रुपए में खाना, लोगों को घर मुहैया कराना। ये सब कहने के बाद आदित्य का दर्द सामने आ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रोल करने दीजिए क्योंकि वे सत्ता में नहीं हैं, वे ट्रोलिंग में व्यस्त रहेंगे। यही वो दुखड़ा था जिसे आदित्य ने सबको बताया। असल में कांग्रेस के सामने नतमस्तक होकर विचारधारा को ठेंगा दिखाकर उद्धव ठाकरे जिस तरह से सीएम बने उसका एहसास अब उन्हें होने लगा है। कहीं न कहीं बड़ी गलती हो गई, किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। विधानसभा से लेकर बाहर बीजेपी हर जगह सवाल पूछती रही और उद्धव ठाकरे चुपचाप सुनते रहे। अब जनता से किए वादों के बारे में सवाल पूछना ट्रोलिंग है तो ये सब तो झेलना ही होगा। किसानों को भी 2 लाख के कर्ज की माफी का ऐलान किया गया था जबकि वादा पूर्ण कर्ज माफी का था। असल में उद्धव ठाकरे अपने वादों के घेरे में फंसे हुए हैं और जैसे तैसे विरोध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट से सारा मामला शुरू हुआ है। फडणवीस ने राहुल के सावरकर वाले बयान पर शिवसेना को घेरा था और इसके बाद अमृता फडणवीस ने ट्वीट किए जिससे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी नाराज हैं।